हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कॉलर नेक डिजाइन। कॉलर नेक डिजाइन बनाने के लिए हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और लंबाई रखेंगे 8 इंच। ऊपर से सीधा करके मापेंगे तो 7.5 इंच पे आएगा और तिरछा करके मापेंगे तो 8 इंच पे, और लंबाई हम रखेंगे नीचे 14 इंच। अब हमारी जो लेस की पट्टी हमने लगानी है, 1 इंच या 1.5 इंच जितनी भी आप पट्टी लेंगे उसका हाफ करके यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे पट्टी ली है 1 इंच, तो 1/2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ऊपर तक, यहाँ तक इसको मिला लेंगे। अब जो ऊपर गले का निशान है वहाँ भी हाफ इंच निशान लगा कर इस निशान को ऊपर तक मिला देंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसमें मार्जिन का छोड़कर हम इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से साइड से कटिंग कर देंगे। अब जो निशान है दूसरी साइड में हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे ताकि दोनों साइड से हम इक्वल सिलाई में दबा सके, और यहाँ से लगाएंगे हम छोटा सा कट। गले को खोलकर यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई यहाँ पर हम अस्तर को अटैच करने के लिए लगाएंगे। ये हमारी लेस पट्टी है जिससे कि हम गले में अटैच करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये पेस्टिंग बुकरम लगाएंगे और एक कपड़ा और इसके नीचे अटैच करने के लिए इतनी पट्टी में लेंगे जितनी की लेस की चौड़ाई हमने रखनी है। अब हम मापेंगे कि हमने ये पट्टी की लंबाई कितनी रखनी है, तो जो हमने कट किया था वो कपड़ा वापस से रखेंगे इस तरह से, और पीछे जो गले का बीच है हम उसी से माप करके और नीचे तक जो हमने कटिंग किया हुआ है वहाँ तक इंची टेप की सहायता से मापेंगे। यहाँ पर मापने के बाद हमारा आया है 18 इंच, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। तो पेस्टिंग पेपर की जो कटिंग करेंगे हम 19 इंच डबल करके लेंगे। यहाँ पर हम प्लेन कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम वो लेस वाली पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर पेस्टिंग वाली बुकरम लगाएंगे। अब इसकी किनारी पर सिलाई लगाते हुए हम इसको पलट लेंगे। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। और पट्टी को पलट कर हम पाइपिंग निकालते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम 1-1 इंच पे चौक की सहायता से निशान लगाएंगे पूरी पट्टी पर। इस प्रकार से 1 इंच पर हम पूरी पट्टी पे निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमने निशान लगाया है मोटी चाल करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने कपड़ा इतना ही रखना है जितना कि हम सिलाई में लेंगे।
तो ये हमने पट्टी तैयार कर ली। अब हम दोनों पार्ट की शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम बैक वाले गले को 1/2 इंच तक कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने ये गले के नीचे कट लगाए हैं वहाँ से हम पट्टी रखकर सिलाई शुरू करेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को ध्यान रखें, कपड़े को हमने खींचना नहीं है, दोनों ही कपड़े को हम सॉफ्ट हाथ से पकड़ें। और शोल्डर का जो कंधे का सिलाई वाला कपड़ा है उसको हम पीछे की साइड रखेंगे। ये इस तरह से हम पीछे की साइड कर देंगे ताकि शोल्डर से हमारा कपड़ा खिंचाव में न आए। ये देखिए जहाँ तक हमने ये कट किया हुआ था वहीं पे हम लाकर इस सिलाई को ख़त्म करेंगे। अभी यहाँ से हम पट्टी को अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए एक पट्टी को दूसरी पट्टी पे इस तरह से रख के हम नीचे की साइड निकाल लेंगे। और ये कट लगाने के बाद जो ये कपड़ा हमारा यहाँ से निकला हुआ है उसको अंदर की साइड करके यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना गला हमने तैयार रखना है उसके हिसाब से निशान लगाकर हम इस पट्टी पर ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से पट्टी हम इक्वल करके ऊपर तक हमने सिलाई लगा दी। जितना कि हमने गला रखना है उतना हमने गला यहाँ पे रख लिया। अब हम एक सिलाई और लगाएंगे किनारी पर से। शोल्डर से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं बड़े आसानी से वी कॉलर नेक डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आपको ये कॉलर नेक डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।